कल वीरवार को प्राचीन सिद्धपीठ श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पावन नंगली धाम पर किशनगढ़बास राजस्थान से लगभग सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सभी ने पहुंचकर बाबा के दरबार में माथा टेक कर हाजिरी लगाई, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सभी ने मिलकर बाबा के भजन गए व सभी भक्त भगवान झूलेलाल के भजनों पर जमकर नाचे व खूब धमाल मचाया। तत्पश्चात सभी ने बाबा झूलेलाल साई के दरबार में प्रसाद ग्रहण किया, पल्ला वरदास करके भगवान झूलेलाल जी की आरती की व सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर तपोभूमि के वर्तमान पीठाधीश्वर लोकेश भगत जी को चादर उढ़ाकर उनका मान सम्मान किया। साई लोकेश भगत जी ने भी सभी का तपोभूमि नंगली धाम पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया व बाबा झूलेलाल के भजन गाकर बाबा का गुणगान किया व सभी को भगवान झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पावन नंगली धाम के इतिहास व चमत्कारों के बारे में बताया, जिसे जानकर सभी भक्तजन अचंभित हुए और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंत में तपोभूमि के बड़े बुजुर्गों द्वारा किशनगढ़ बास मंदिर के पुजारी व पंचायत मुखी को शॉल भेंट करके उनका मान सम्मान किया। पीठाधीश्वर लोकेश भगत जी का कहना है कि भगवान श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि स्थान की महिमा अब देश विदेशों तक फैल चुकी है और जगह जगह से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं व भगवान झूलेलाल वरुण देव सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।